हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लो। सिंस आपने टाइटल से तो पढ़ ही लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, सो येस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जस्ट वन इन्ग्रीडियंट जिसकी हेल्प से आप सिल्की और शाइनी हेयर पा सकते हो। जस्ट वन इन्ग्रीडियंट, वो भी आपकी किचन से ही, और ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने बहुत बार इसको यूज किया है और ये मतलब आपको कभी भी ऐसा हो कि आपको कहीं पे जाना हो और आप हेयर वॉश चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके ना हेयर्स पे नेचुरल हेयर में नेचुरल शाइन आ जाए, तो आप ये फॉर्मूले को जरूर यूज करना। और क्या कहते हैं, इससे आपको 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो एज आई प्रोमिस्ड कि मैं एक ही इन्ग्रीडियंट यूज करूंगी और एक इन्ग्रीडियंट ही आपको 30-40 मिनट्स अपने हेयर पे रखना होगा एंड यू कैन गेट दीज काइंड ऑफ सिल्की हेयर्स। एक्चुअली मैंने लास्ट वीक इसको अप्लाई किया था जस्ट, तो ये इसका आउटकम है एज यू कैन सी। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, मैं बता देती हूँ कि वो एक इन्ग्रीडियंट क्या है जो आपकी रसोई में ही है। तो जो इस इन्ग्रीडियंट की मैं बात कर रही हूँ वो है बटर मिल्क। बटर मिल्क और छाछ और ताक, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है और हम इस टाइम पे अपने घर पे इसको एज अ यू नो प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ ये हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इफ़ यू हैव वेरी ड्राई फ्रिजी हेयर्स ना, यू कैन यूज़ इट एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन ओनली वन वीक। सो मैंने ये लिया हुआ है यहाँ पे बटर मिल्क। बटर मिल्क आपको लेना है आपके हेयर्स की लेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम इसको रूट्स पे भी लगाएंगे और हेयर लेंथ पे भी लगाएंगे। तो आपके जितने हेयर्स हैं, अगर इफ़ यू हैव वेरी लॉन्ग हेयर लाइक माइन, सो आप इतना एक कटोरी बोल भर के आप ले लोगे, दैट विल बी ओके। अब नाउ स्टार्ट करते हैं कि इसे लगाना कैसे। सो इसको लगाने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्योंकि ये बहुत रनी है टेक्सचर में, तो अगर मैं इसको ऐसे हाथों से लेके लगाऊंगी इट वोंट बी यू नो फिजिबल एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक अ कॉटन पैड। ओके, सो आई एम टेकिंग अ कॉटन पैड ऑफ दिस साइज, यू कैन टेक, एंड व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू डिप इट एंड जस्ट हैव टू अप्लाई इन माई रूट्स। उससे पहले मैं क्या करूंगी, जब भी आप कोई पैक अप्लाई करते हो ना, तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट डिवाइड योर हेयर्स इन हाफ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो यू हैव डिवाइडेड योर हेयर्स इन हाफ, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिप दिस पैड एंड यू हैव टू डैप लाइक दिस। ओके, डैप लाइक दिस, अप्लाई एवरीवेयर इन हेयर्स, रूट्स पे थोड़ा थोड़ा मसाज करते जाइए एंड अप्लाई करते जाइए। ओके, सी सिमिलरली आपको कंप्लीटली अप्लाई करना है ऐसे ही करके पूरे हेयर्स पे, लाइक दैट। और जो बचा हुआ था उसको मैंने प्रॉपरली अपने हेयर लेंथ पे अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा मेसी हो सकता है ये, तो ट्राई करो कि आप वॉशरूम में या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे क्लीन करना इजी हो वहाँ पे इसको अप्लाई करो, बिकॉज इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा रनी है ना, तो वो थोड़ा बहुत गिरेगा ही। तो आपको अप्लाई कर लेना है ऐसे प्रॉपरली, देन यू हैव टू जस्ट टाई योर हेयर्स, और उसके बाद आप आधा घंटा 25-30 मिनट्स इसको प्रॉपरली छोड़ दो जैसा ये है, देन वॉश योर हेयर्स एंड सी द रिजल्ट्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मेरे को तो एक्चुअल में बहुत रिजल्ट मिला है इवन एक ही यूज़ के बाद। सो आई जस्ट वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू पीपल कि आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स मिला, कैसा रहा। इवन इससे ना, इसके जो बेनिफिट्स वो ये है ना कि टेक्स्चर तो अच्छा होता ही आपके बालों का। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ डेंड्रफ और एनी फंगल इन्फेक्शन, दिस कैन ओवरकम इट इफ़ यू विल यूज इट रेगुलरली लाइक फॉर वन मंथ। वीक में एक बार यूज कर सकते हो, वीक में दो बार यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, सो आई हैव जस्ट वॉश्ड माई हेयर्स एंड आई हैव एयर ड्राइड इट, सो नाउ यू कैन सी दिस इज द शाइन विच आई एम गेटिंग आफ्टर वॉशिंग माई हेयर्स, और कितने स्मूथ हैं। कि अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करोगे तो इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स होने वाले हैं।
एंड यस डेफिनेटली आप एक बार ट्राई करो एंड प्लीज प्लीज डू लेट मी नो कि आपके लिए ये रेमेडी कैसे वर्कआउट की है. एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब करिए, एंड हाँ नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दो. एंड इफ यू वॉन्ट टू सी ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग माई चैनल्स एंड डू फॉलो मी इन माई इंस्टाग्राम, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी. सो प्लीज प्लीज वहां जाके मुझे फॉलो करिए. एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ. बाय बाय.